एक जगह दिया बेटा बैठ गए सर जी, थोड़े थोड़े उस साइड पे हो जाए, ये पिलर आ रहे हैं कैमरों में थोड़े बेटा ऊपर का आईफोन शाह साहब आज पाकिस्तान बार काउंसिल ये पिलर आ रहे आप बीच में नहीं आ रहे थोड़ी सुस्त और सुबाई बार काउंसिल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ये अहदेदारों ने एक कॉन्फ्रेंस मुनाकद की जिसका मकसद ये था कि डिग्निटी ऑफ द पार्लियामेंट जुडिशरी को बरकरार रखने के लिए ऐसे इकदाम किए जाएं कि तमाम अदारे अपनी अपनी हदूद और कयूद में रहते हुए अपना अपना किरदार अदा करें। जिस तरह के पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसके मुताबिक शो मोटो के जो इख्तियारात चीफ जस्टिस साहिबान अपने तौर पे इस्तेमाल करते रहे और उसमें किसी किस्म का चैलेंज करने का मौका नहीं दिया जाता रहा, और उस सूरत में इस मुल्क और कौम ने कई दफा नुकसान उठाया, और उसी सूरत में आज एक दफा फिर शो मोटो का एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने लिया, और उस सुप्रीम कोर्ट ने शो मोटो ऐसा लिया कि दो जजेस साहिबान जो कि एक सर्विस मैटर को सुन रहे थे और उस सर्विस मैटर का फैसला करने के बजाय उन्होंने अपने तौर पे शो मोटो का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए चीफ जस्टिस साहब को एक रेफर किया कि आप इस ग्राउंड पे शो मोटो लें कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रही, जबकि ना तो उस बेंच का इलेक्शन से कोई ताल्लुक था, ना उस बेंच के सामने कोई पिटीशन थी कि उसको डिसाइड करते, जबकि उस इलेक्शन पिटीशन जो कि लाहौर हाईकोर्ट और पेशावर हाईकोर्ट में पहले से पेंडिंग थी और लाहौर हाईकोर्ट से आर्डर भी हो गया था कि आईन के मुताबिक 90 दिनों में इलेक्शन होना चाहिए, उस ऑर्डर को आईसीए में अपील के तौर पर चैलेंज किया गया जो अभी भी पेंडिंग था और उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। पेशावर हाईकोर्ट में जो पिटीशन थी वो भी उस पर भी कोई फैसला नहीं हुआ, और एक जल्दी से चीफ साहब ने शो मोटो लेते हुए 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का हुक्म सदर फरमा दिया, लेकिन बाकी मामलात इलेक्शन करवाने के लिए कोई नहीं सोचा गया कि इलेक्शन सब क्यों होने चाहिए, इसलिए तो जो सूबाई असम्बली के पी और पंजाब असम्बली ये क्यों डिजाद हुई, ये भी तो इस पे शो मोटो पहले लेना चाहिए था कि अगर कोई वजह ही नहीं है तो प्रोवेंशियल असम्बली पंजाब और प्रोवेंशियल असम्बली के पी को क्यों डिजाद किया जा रहा है। शो मोटो असल वो बनना चाहिए था, जबकि शो मोटो ये लिया गया कि अब चूंकि उनकी मर्जी से एक पार्टी की मर्जी से ये सारा कुछ हुआ है, लिहाजा उसको आगे चलाते हुए शो मोटो लिया और उस पे
ऑर्डर आर्डर फरमाए। अब हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि तमाम अदारे अपनी हदूद व कयूद में रहते हुए अपना किरदार अदा करें और जिस तरह पार्लियामेंट ने अपना लाभ पास किया है और एक सुओ मोटो के एक्शन में अपील का मौका दिया है और सुओ मोटो के एक्शन लेते हुए तीन जजों को इख्तियार दिया है जिसमें चीफ जस्टिस साहब और दो सीनियर मोस्ट जजेस साहब कमेटी के मेंबरान होंगे और वो डिसाइड करेंगे कि कौन से मैटर्स में सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए और कौन से मैटर्स में सुओ मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए। इंडिया में किसी ने चीफ जस्टिस से पूछा कि इंडिया के चीफ जस्टिस साहब से कि आप सुओ मोटो कब लेते हैं, उन्होंने कहा जी अभी तक जब से इंडिया और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुए हैं हमने दो सुओ मोटो लिए हैं और हमारे सुओ मोटो लेने में पूरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि सुओ मोटो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आज सुओ मोटो जिन हालात में लेना चाहिए, कोई मिसिंग पर्सन में लेना चाहिए, कौमी अलमिया हो उसमें लेना चाहिए या जो असम्बलियाँ डिजाल्व हुई हैं उसमें लेना चाहिए कि ये असम्बलियाँ डिजाल्व क्यों हुई हैं और इस आखिर में जब टाइम ही थोड़ा रहता था। अब हमारा एजेंडा जो पाकिस्तान बार काउंसिल सूबाई बार काउंसिल ने डिक्लेरेशन पास की है उसमें ये तय हो गया है कि ये जो हुक्म इम्तनाई मिला है पार्लियामेंट के एक एक्ट को उस पे हमारा एतराज है पूरी बार काउंसिल का और अगर वो वापस नहीं लिया जाता तो हमने ये भी लायबल तय किया है कि हम पूरे मुल्क में अपनी कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसको इसके खिलाफ जो भी तहरीक हो हम चलाएंगे और जब तक ये वापस नहीं लिया जाता ये ऑर्डर और बार को पाकिस्तान के पार्लियामेंट के एक्ट को बहाल नहीं किया जाता तब तक हम एजिटेट करेंगे। तो कल के लिए तो यूनैनिमसली ये तय हुआ है कि ब्लैक डे ऑब्जर्व किया जाएगा पूरे पाकिस्तान में कि ये जो स्टेटस को दिया गया है पार्लियामेंट के एक्ट पे उस पर अब मैं ऐसे भूल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने हालात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान बार काउंसिल की अपनी क्यादत और तमाम मुल्क की बार काउंसिलों और हाई कोर्ट को ये खराज तहसीन पेश करता हूं कि इस अहम मौजू पे उन्होंने आज का ऑल पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस बुलाई। मैं सिर्फ एक दो चीजें अर्ज करूंगा कि ये मौजूदा वक्त नहीं, मैंने सारे हमने रेजोल्यूशन सामने रखे आज तमाम हाजरीन के, ये दो दहाइयों से ज्यादा का हमारा मुतालबा है कि 1843 की अपील दी जाए, रूल अमेंड किए जाएं या गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाए। इसी तरह राइट टू चेंज काउंसिल आर्टिकल 10 के ताबे काउंसिल ऑफ हिज ओन चॉइस ये भी रूल में अमेंड किया जाए या लॉ बनाया जाए। इसी तरह केसेस की फिक्सेशन जो है वो एज अर्ली एज पॉसिबल की जाए, वो भी 15 दिन में हो गई। इसी तरह ये पुरानी हमारे रेजोल्यूशन में ये है कि आज हमने तमाम कमेटी के सामने ये कहा, बल्कि सबसे पहला रेजोल्यूशन 2014 में उस वक्त के फार्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट जनाब की तलीम खुर्शीद साहब ने बार काउंसिल में पेश किया था वो उस वक्त भी 1843। पिछली काउंसिल ने हमारी सुप्रीम कोर्ट की फुल बॉडी ने यूनानिमसली ये अपना जुलाई में 27 जुलाई को ये पास किया कि तमाम के तमाम जो अपना पांच जजेस की कमेटी बनाई जाए, जो बेंचेस की तश्कील सुओ मोटो की पावर को स्ट्रक्चर करने के लिए और केस की फिक्सेशन के लिए, इसलिए ये बात करनी बहुत जरूरी है कि आज ये कोई नई डिमांड नहीं और ना किसी गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने इस मौजूदा हालात में वकला के मुतालबात को मंजूर करते हुए ये कानून बना दिया है तो हम बहसीयत लाइयत कम्युनिटी इस कानून की प्रोटेक्शन के लिए हिफाजत के लिए किसी हद तक भी जाएंगे। इसलिए बलोचिस्तान में और बार काउंसिल में 29 अप्रैल के लिए ऑल पाकिस्तान जो रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस है कन्वेंशन है वो बुला लिया है वहां जाने के लिए। एक और बात जो आपसे करना चाहूंगा,
जैसे वाइस चेयरमैन साहब ने बात की कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जैसे दो जज साहबान ने, मोहतरम जज साहबान ने सर्वस मैटर में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को पूरे को ड्रैग किया, और मैं समझता हूं कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंतहाई शफीक और अच्छे इंसान हैं, बड़े ईमानदार हैं। मेरा ख्याल है उन्हें मौजूदा सूरत हाल को अदारे की तकरीम का ख्याल रखते हुए बजाय इसके कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की तकसीम के सामने रखते हुए कहीं मजीद तकसीम का शिकार ना हो, बल्कि पूरे अदारे को इकट्ठा करें, मिल बैठकर तमाम जज साहबान जो हैं वो इस मामले को रिजॉल्व करें। और जी जी हाँ, ये तमाम पार्टिसिपेंट्स और तमाम वाइस चेयरमैन बार काउंसिल और सदूर का ये सारों का मुतफिका आज के इसमें डिमांड है। इसलिए मैं और एक बात जो आज की काउंसिल ने की कि लाहौर में एक सो कॉल्ड गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, उस और एक्स सर्विसमैन जो आर्मी के हैं और एक्स कुछ एयरफोर्स के हैं और एक्स कुछ वकला के, जो कि किसी नुमाइंदा सूरत हाल में नहीं है। पाकिस्तान की सिर्फ दो काउंसिलों के, दो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो एक पार्टी के स्पोक्समैन के तौर पे बात कर रहे हैं, आज 10 हाई कोर्ट के सदूर ने इसमें और तमाम मदर बार एसोसिएशन ने ये बात की है, और आज एग्जेक्टिव कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 10 मेंबर्स ने शामिल होकर 17 में से इसको इंडोर्स किया है। इसलिए हम ये समझते हैं उसको भी हमने रिजेक्ट किया है, और उन दोस्तों से जो हमारे सीनियर्स हैं हम बड़ा एहतराम करते हैं, जो अदारों की बालादस्ती की बात करते हैं, उन्हें चाहिए कि बजाय अपनी जाती मोटिव और एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन के लिए अपने इलेक्टेड नुमाइंदों की मेजॉरिटी का जो है मैंडेट उसको तस्लीम करें, मत बार एसोसिएशन और लॉयर कम्युनिटी को तकसीम करने की अपने जाती एजेंडा के। अगर उन्हें अपनी सियासी पार्टियों से कहीं उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिली तो उससे लॉयर कम्युनिटी का कोई उसमें कसूर नहीं है। इसी तरह उनको अगर नहीं किसी ने इलेक्ट किया तो वो भी लॉयर कम्युनिटी का नहीं। व्हेन दे हैव बीन रिजेक्टेड बाय द कम्युनिटी दे शुड नॉट ट्राई टू मेक डिसेंशन बिटवीन द कम्युनिटी। ये फोरम डिसाइड करेगा, और मैं इसके बाद जनाब हमारे चेयरमैन एग्जेक्टिव कमेटी जनाब हसन रजा पाशा साहब और क्वेटा बार एसोसिएशन का भी शुक्रिया अदा करता हूं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की जो ये कॉन्फ्रेंस थी वो इतनी भरपूर थी कि हम खुद भी हैरान हो गए कि हमारी इमरजेंट कॉल पे तमाम बार कौंसल प्रोविंशियल और इस्लामाबाद बार कौंसल उनके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन वो शरीक हुए, 10 हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वो यहां मौजूद थे, और चंद एक ने वीडियो लिंक के जरिए यहां पे खिताब किया, फिर क्वेटा बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यहां मौजूद थे, और जितनी भी हमने 12:30 बजे से शुरू की कॉन्फ्रेंस और अभी आपके सामने हाजिर होने तक कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था जो अनरिप्रेजेंटेड था। सारे की सारी मुंतखब क्यादत थी, पाकिस्तान की मुंतखब क्यादत जो इस वक्त यहां पे थी अभी भी आपके सामने मौजूद है। फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के दो नायब सदूर और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स तकरीबन 10 बंदे जो कि मेजॉरिटी व्यू रखते हैं वो भी हाजिर थे, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि हमारे प्रेसिडेंट और हमारे सेक्रेटरी साहब जो भी हमारी मीटिंग होती है उसके मिनट्स को प्रेस रिलीज जारी करने के बजाय अपनी एक और प्रेस रिलीज जारी करते थे जिनका उन्होंने कंडेम किया। हम ये बताना चाहते हैं कि इलेक्टेड बंदे, ये कोई 1.5 इंच की मस्जिद नहीं बनाई, 1.5 इंच की मस्जिद उन लोगों ने बनाई है जो नॉन इलेक्टेड है। आज ये फोरम ये यहां पे मौजूद है और ये बता रहा है कि सारी पाकिस्तान की लाइट फिटिटी इनके पीछे है।
एक पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्समैन बड़ी शतोमत के साथ पिछले कुछ दिनों से आपके सामने आके दावा कर रहे हैं कि लाइट्स मूवमेंट शुरू हो रही है, हम लाइट्स मूवमेंट शुरू करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं अफसोस होता है मुझे उनको देख के कि जब लाइट्स मूवमेंट शुरू हुई थी 2007 और 8 में तो वो परवेज मुशर्रफ के स्पोक्समैन थे। वो न सिर्फ वो बल्कि उनकी सारी फैमिली परवेज मुशर्रफ के साथ खड़ी थी और लाइट्स मूवमेंट हम तमाम वकला शरह दस्तूर पर तशद्दुद भी सह रहे थे, कोड़े तशद्दुद भी सह रहे थे, जख्मी भी हो रहे थे, एफआईआरें भी हो रही थी। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जनाब आप तो किसी तहसील बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी नहीं बने आज तक, आप किस तरह लाइट्स मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। तो आपके तवस्त से मैं ये पैगाम पूरी लाइट्स फ्रेटर्निटी को देता हूं कि आज माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की लाइट्स कम्युनिटी इकट्ठी हुई, यूनानी मसली हमने ज्वाइंट डिक्लेरेशन जारी किया और उसमें कल 18 तारीख को यौम सियाह मना रहे हैं और 29 तारीख को बलोचिस्तान में कोयटा के मकाम पे लाइट्स कन्वेंशन मुनक्कद हो रहा है और इसी का तसलसल करते हुए बाकी तमाम सूबों में हम लाइट्स को मुतहरक करेंगे और इंशाल्लाह ताला। और एक और बात जो मैं बहुत करना चाहूंगा वो ये है कि 8 मुअज्जज जज साहबान ने जिन्होंने रिस्ट्रेनिंग आर्डर पास किया उनमें 6 मुअज्जज जज साहबान वो हैं जिनको पाकिस्तान बार कौंसिल के जुडिशियल कमीशन के रुकन जनाब अख्तर हुसैन साहब ने जुडिशियल कमीशन के इजलास में जिनकी शमूलियत पे एतराज किया और एतराज ये था कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को इग्नोर करके उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है। आज साबित हुआ कि रूल अमेंडमेंट किए बगैर आज ये साबित हुआ कि सिर्फ इस वजह से एक पैकेज के तहत उनको लाया जाता है, हम इसको भी कंडेम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाइस चेयरमैन साहब, दो बातें आपसे करनी है। आज के ये नुमाइंदा इज्तिमा पाकिस्तान की तमाम बार कौंसिल्स के वाइस चेयरमैन, पाकिस्तान की तमाम बार कौंसिल्स के चेयरमैन और 10 जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदूर थे उन्होंने आज यहाँ पार्टिसिपेट किया और हम बात कर क्या रहे हैं। मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, मेरा किसी हुकूमती जमात से ताल्लुक नहीं। हम मांग सिर्फ दो बातें रहे हैं। एक हमारा बहुत पुराना मुतालबा था कि आर्टिकल 1843 में जो 100 मोटर पावर्स हैं उसके अगेंस्ट हमें अपील का हक दिया जाए। ये हमारी तमाम बार एसोसिएशन का, तमाम बार काउंसिल का ये मुतफिका फैसला था। इसके अलावा हमारा ये मुतालबा हमेशा से रहा कि ये 100 मोटर पावर एक चीफ जस्टिस साहब को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए बल्कि बाकी जजेस को भी इसमें शामिल किया जाए। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 8 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया उसमें खुद उन्होंने डॉक्टर मुबशर हसन के केस का हवाला दिया। जो 17 रुकनी बेंच है पाकिस्तान की तारीख में ये कभी नहीं हुआ कि अदालतें खुले बगैर